तो हम ऑलरेडी यहां तक आ चुके थे, अब अपने को क्या करना था, अब इसको बच्चों डिवाइड करना था सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से। नीचे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा अंडर रूट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। ओके, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये अपना रिलेशन आ गया था किसका, एंगल कैलकुलेट करने का। अब चलिए क्वेश्चन आप लोगों को मिलता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल्स टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल्स टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के एंड वेक्टर बी विच इज इक्वल टू फोर आई प्लस थ्री जे प्लस टू के। इन दोनों वेक्टर के बीच का अपने को क्या करना है बच्चों, इन दोनों वेक्टर के बीच का अपने को एंगल कैलकुलेट करना है। तो चलिए जरा ट्राई कीजिए आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। कैसे वर्क करेंगे बच्चों, अपने को ए डॉट बी फाइंड करना है ना, तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी कॉस थीटा। ऐसा हम लोग लिखते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। चलो देखो, फिर से देख लो, एकदम क्लियर कट प्रोसीजर ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मैं पहले बच्चों बोलो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलू कि ए डॉट बी जो है वो कितना होगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए वन बी वन, इसका ए वन इसका बी वन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टू इंटू फोर प्लस ए टू बी टू तो थ्री इंटू थ्री प्लस ए थ्री बी थ्री फोर इंटू टू, इतना अपना टर्म आ गया। अब ए डॉट बी इक्वल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, दिस विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, फोर टू जा एट, थ्री थ्री जा नाइन, फोर टू जा एट, ठीक है। तो यहां से अपने को मिल जाएगा क्या, यहां से बच्चों मिलेगा cos theta equals to 8 to the 16, 24, 25. हो गया 25 divided by magnitude of A into magnitude of B. अब नीचे magnitude से अपने को divide बस करना है। तो ये कितना हो जाएगा? This will be equal to 25 divided by magnitude of A. Magnitude of A कितना हो जाएगा? तो देखिए A का magnitude, A जो vector है वो कितना है? 2i cap plus 3j cap plus 4k cap means 2 square plus 3 square plus 4 square. तो A की जगह पर हम क्या रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे 2 square plus 3 square plus 4 square. और बी जो है वहां पे हम रखेंगे, बी का वैल्यू फोर थ्री और टू है, फोर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये वाला वर्क करेंगे। अब जब ये वाला हम लोग वर्क करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, ये वैल्यू आएगा कॉस थीटा के। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 4 plus 9 plus 16, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 4, दोनों तो इक्वल ही है, कितना होगा 29। तो ये रूट 29 इंटू रूट 29, तो फाइनली वी विल हैव cos theta इज इक्वल टू 25 बाई 29। और इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 25 बाई 29। ओके सर, इसका वैल्यू कैसे निकालना है? इसका वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप लोग को सिर्फ वही वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा, नहीं तो आपका ऑप्शन ही इसी टर्म में रहेगा, ठीक है। अगर cos थीटा का वैल्यू अपने को 1 बाई 2 आता तब हम वैल्यू इसका निकाल सकते थे, क्योंकि 1 बाई 2 वाला वैल्यू अपने को मालूम है। अपने को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री,
रिटर्न का सारा वैल्यू पूछ सकता है, ऐसा वाला ऑप्शन में इसी ढंग से आंसर रहेगा। क्लियर है ना सर? वो एनसीईआरटी बुक में एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें थीटा इक्वल्स टू 10 वो इनवर्स सर इसे क्या कहते हैं, कॉस इनवर्स बोलेंगे, इनवर्स। हाँ ये 10 इनवर्स था जिसका वैल्यू यहाँ कैलकुलेट किया गया है, लेकिन इसे कैसे कहते हैं वो यहाँ नहीं लिखा है। उसको कैलकुलेट करने के लिए या तो अपने को साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो लॉग टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर इस तरह कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कॉस्ट इनवर्स 25/29 इक्वल्स टू दिस वैल्यू। ठीक है ना? ठीक है, इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है। सबको क्लियर हुआ क्या ये वाला क्वेश्चन अच्छे से? हाँ सर, हाँ सर। दोनों लोगों को रेज योर हैंड। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 5k कैप। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का अपने को एंगल कैलकुलेट करना है। चलिए ट्राई कीजिए जरा। Find angle between vector A and vector B. कैसे वर्क करें बच्चों, शिकावत बन रहा आपसे? Yes sir, 3/5 maybe. 3/5. चलिए इस वाले वेक्टर को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप 3/5 आंसर। और इसको ले सकते हैं 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा लिख सकते हैं इन दोनों वेक्टर को। आया ना? ये क्लियर है क्या? आया ना बता दीजिए। यस यस ओके। अब यहां पे आपसे मैं बोलूं कि वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए डॉट बी विल बी इक्वल टू अब ए कितना है? ए है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप डॉट 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी का वैल्यू। तो ये कितना जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ए डॉट बी, यहां से कितना हो जाएगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। आई को आई से मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 0, जे को जे से मल्टीप्लाई करना है तो 4 × 0, के को के से मल्टीप्लाई करना है तो 0 × 5। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? ए डॉट बी यही आ गया कितना? 0। जब ए डॉट बी 0 आ गया मतलब ए बी कॉस थीटा कितना हो गया? 0 हो गया। और ए बी कॉस थीटा 0 है मतलब कहीं ना कहीं आपका दोनों ये वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मिल दोनों वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? हियर वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एज ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये? हाँ या ना? हाँ सर, वो के जी का आई लिख दिया। ओके ओके, ये ऊपर का ऑप्शन फिर से नोट करना है क्या किसी को? हाँ सर, क्वेश्चन एक बार फिर से। ओके, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए इसके आगे
अगला क्वेश्चन है, वी हैव वेक्टर ए इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सॉल्व कर देंगे तो मतलब आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, आंसर भी आ गया। कैसे वर्क करें अपने को मालूम है बच्चों कि ए डॉट बी इक्वल्स होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है। अब देखिए वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट वेक्टर बी कितना है 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप इज इक्वल टू मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18 8 4 जा 32 इज डिवाइडेड बाय मोड ए इंटू मोड बी विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 18 plus 18 36 36 plus 2 38 38 plus 30 68, ऊपर वाला टर्म कितना हो गया 68 डिवाइड बाई अंडर रूट। अब मोड ए का वैल्यू कितना होगा, 3i plus 3i plus 4j मीन्स 3a square प्लस 3a square प्लस 4a square अंडर रूट इंटू अंडर रूट। मोड बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो 6 था ना, तो 6 square plus 6 square plus 8 square इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक बताइएगा, हाँ या ना, सभी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। हाँ सर, यहाँ तक वेरी गुड। अब देखिए इसका कैसे वर्क करेंगे, यहाँ पे बच्चों अपने को मिल गया क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई और ये कितना हो जाएगा 9 2 18 16 16 ओके हाँ ना रूट ऑफ 34 ये कितना हो जाएगा 1 36 रूट ऑफ 1 36 1 36 ठीक है इसको हम अब कितना लिखेंगे 68 डिवाइडेड बाय रूट 34 इनटू अंडर रूट 44 इनटू 2 इनटू 2। तो अब देखिए कितना हो गया, 68 डिवाइडेड बाय रूट 34 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, और 2 और 2 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके
आना हाँ ना बताते चलिएगा इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 68/68 मींस 1 एंड कॉस थीटा अगर 1 है इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 मींस थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री क्लियर 0 यस सर तो आप देखिए यहां पे हम क्या बोल सकते हैं यहां पे हम बोल सकते हैं दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर पैरेलल वेक्टर्स आर पैरेलल पैरेलल में ना दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा अगर दो वेक्टर पैरेलल है मतलब उनके बीच का एंगल क्या है थीटा जीरो है समझ में आया ना एवरीवन हां या ना यस सर तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करेंगे इस वाले दोनों वेक्टर को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3 है यहां पर a1/b1 equal to a2/b2 is equal to a3/b3 1/2 आ रहा है नहीं आ रहा सर एक बार फिर से बता दीजिए देखिए इसको a1 बोलेंगे इसको a2 बोलेंगे इसको a3 बोलेंगे इसको b1 इसको b2 इसको b3 तो a1/b1 3/6 equals to a2/b2 3/6 equals to a3/b3 4/8 ये सही वैल्यू कितना है 1/2 के इक्वल है ना आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर आपको ऐसा कहीं भी क्वेश्चन मिले जिसमें दो वेक्टर के बीच में ऐसा सीन बन रहा है क्या कि a1/b1 equals to a2/b2 equals to a3/b3 then those two vectors are parallel to each other तो नोट देके एक पॉइंट लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग नोट If two vectors are such that vector A कितना है a1i cap + a2j cap + a3k cap and vector B कितना है b1i cap + b2j cap + b3k cap and a1/b1 is equal to a2/b2 is equal to a3/b3 this means that this implies both vectors a and b are parallel दोनों वेक्टर जो हैं वेक्टर a और वेक्टर b ये क्या है बच्चों ये दोनों आपस में पैरेलल है क्लियर है हां या ना हाँ सर हाँ जल्दी से इसको नोट कर लीजिए नोट करने के बाद रेज़ योर हैंड वेरी गुड ओके अब देख लीजिए बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान से क्या अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा डॉट प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़ा तो डॉट प्रोडक्ट में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं क्योंकि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हुज रिजल्ट इज स्केलर क्वांटिटी ठीक है इसमें क्या होता अगर दो वेक्टर है ए और बी तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है ए बी कॉस थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन देम फिर मैं क्या बताया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म इफ ए इक्वल्स टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप b equals to b1i cap plus b2j cap plus b3k cap then a dot b will be equal to a1b1 plus a2b2 plus a3b3 उसका आंसर मैं आपको क्या बताया था मैं आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स अगर बात करेंगे i और i की i एंड i बोथ आर यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन देयरफॉर i dot i equals to 1 j dot j equals to 1 k dot k equals to 1 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर i dot j 0 j dot k 0 k dot i 0 मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो फिर मैं आपको क्या बताया था कि अगर दो वेक्टर ए और बी रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिए हुए हैं तो वी कैन इजीली कैलकुलेट एंगल बिटवीन देम एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू a1b1 + a2b2 + a3b3 डिवाइडेड बाय √a1² + b1² a1² + a2² + a3² * √b1² + b2² + b3² फिर मैं क्या बताया फिर मैं आपको बताया कि इफ टू वेक्टर्स a इक्वल्स टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप
and b equals to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 j cap, these two vectors are parallel to each other, then a1 by b1 will be equal to a2 by b2 equals to a3 by b3. आज के लिए इतना ही, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकता है, फिर इसके आगे कल के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। ओके सर, आज का सर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर में, उस पर कुछ और न्यूमेरिकल मिलेंगे, मतलब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है कि हर एक दूसरे वाले वेक्टर के टेल को फर्स्ट के हेड पे रखना है, ठीक है, तो लाइन जॉइनिंग टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट गिव्स रिजल्टेंट। हाँ बोलिए, मुझे क्या बोलेंगे? हाँ मैं पूछ रही थी कि इतना ही है बुक में सर, और नहीं चाहिए इस लॉ के बारे में? उतना ही काफी है, ना उसको पूरा काम हो जाए। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू सर, बाय।